हेलो एवरीवन, दिस शुभ्रांश, वेलकम्स यू ऑल ऑन माय चैनल स्टे टाइम। आज के इस वीडियो में मैं आपसे छठ पर्व के बारे में बात करूंगा। आपने बिहार के लिट्टी चोखा या बाटी चोखा के बारे में तो सुना ही होगा। छठ पर्व भी उसी सांस्कृतिक समृद्धि का एक अंग है। छठ पूजा सूर्य देव और छठी मैया या षष्ठी मैया को समर्पित एक पर्व है। इस पर्व का जिक्र रामायण और महाभारत में भी मिलता है, जहाँ माता सीता और कुंती ने इस व्रत को किया था। छठ पर्व एक चार दिवसीय पर्व है, जिसमें पहले दिन को नहाए खाए, दूसरे दिन को खरना, तीसरे दिन को पहली अर्घ या संध्या अर्घ और चौथे दिन को दूसरी अर्घ या उषा अर्घ के रूप में मनाया जाता है। इस पर्व को लेकर जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, उसके अनुसार कार्तिक शुक्ल पक्ष के छठे दिन सूर्य पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध या यूं कहें सदर्न हेमिस्फेयर में स्थित होता है और सूर्य की अल्ट्रावायलेट रेज पृथ्वी पर अधिक कलेक्ट होती हैं, जिसका सीधा असर स्किन, पेट और आंख पर पड़ता है। इस पर्व के दौरान व्रत और प्रसाद रूपी खाद्य सामग्रियां इन बॉडी पार्ट्स पर अल्ट्रावायलेट रेज के इफेक्ट को कम कर देती हैं। इस पर्व का उद्गम स्थल बिहार को माना गया है, परंतु उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हरियाणा समेत तमाम उत्तरी भारत के हिस्सों में इस पर्व को मनाया जाता है। इस पर्व में लहसुन प्याज वर्जित रहता है और साफ सफाई का भी विशेष ध्यान रखना पड़ता है। गन्ना, मौसमी फल और मुख्यतः ठेकुआ इस पर्व का आकर्षण होता है। आज की तारीख में ये पर्व विदेशों में भी बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। सो आज के इस वीडियो सीरीज में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर सजेशंस प्लीज कमेंट बिलो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फ्रॉम द चैनल स्टेट एंड।